हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आया हूं दोस्तों कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं जिनको भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अभी आपको मनी कंट्रोल सब्सक्रिप्शन का फ्री ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, तो वो भी आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आइए आज का जो लास्ट फ्राइडे उसका जो मार्केट अपडेट है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं। यहां पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, जो 10,250 का स्ट्रॉन्ग लेवल था वो ब्रेक करा, वो काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया मार्केट ने। 33 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो पॉजिटिव थे, 16 स्टॉक जो नेगेटिव थे और एक स्टॉक में मोमेंटम नहीं रहा था दोस्तों। वहीं पर आप देख सकते हो टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र की लिस्ट में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम रहा था, ठीक है। तो आइए जो आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टॉक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। भारती एयरटेल 2-2.5% की तेज़ी के साथ लास्ट फ्राइडे को बंद हुआ। प्रीवियस क्लोज देखिए, उसका गैप अप ओपनिंग, देन उसका हाई, देन उसका लो प्राइस चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ दोस्तों। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो इस ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में देख सकते हो दोस्तों, जो शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं करीबन 4,11,00,000, काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ लेक में देख सकते हो 2,34,00,000 शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो खासम खास डिलीवरी पैटर्न है काफ़ी अच्छा खासा, जो कि 50% का है। आप देख सकते हो 2,11,00,000 का डिलीवरी पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अपन इसके चार्ट पैटर्न पे समझते हैं क्या मोमेंटम अपने को मिल सकता है। अब दोस्तों देख सकते हो चार्ट में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। इस जोन में आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक काफ़ी वीक हुआ। वीक होने के बाद जो उसका दोस्तों ओपन हुआ ना दोस्तों, 560 वाला जो सपोर्ट लेवल बना था उसको ही ब्रेक करा, मात्र उसको सपोर्ट जोन बनाया और उसके बाद से रिकवरी लिया और काफ़ी हाई लेवल बनाया। आप देख सकते हो जो 578 का इसने हाई बनाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हाई बनाया, क्योंकि जो पोजीशन आपने देखी दोस्तों, क्योंकि इस पोजीशन पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जो सपोर्ट जोन था उसका लो बनाया, देन सडनली उसने हाई बनाया, तो काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग लेवल देखने को मिला। वहीं पर आप 5 दिन का चार्ट देख सकते हो, 5 दिन में आपको पौने तीन पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम अपने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और ये डाउट लग रहा है कि दोस्तों मंडे को स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 568 रुपये के लेवल से यहाँ से अपन इसको डेफिनेटली सेल करेंगे, लगभग 560 का टारगेट लेंगे इजीली। अगर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों को, तो आप इजीली स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो दोस्तों 74 या 72 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये दोनों प्राइस में से, ठीक है। जो सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बिहाफ पे ही मैंने आप लोगों को ट्रेड एंड स्टॉप लॉस दिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है वो आप लोग आपके हिसाब से मेंटेन करके स्टॉक में चल सकते हो। अब आइए सेकंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप लोगों के लिए सेकंड स्टॉक है उसका नाम है ITC। ITC यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो लास्ट फ्राइडे को इसका मोमेंट रहा था दोस्तों, काफ़ी वीकनेस रही थी मार्केट में, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी से, लेकिन स्टॉक में काफ़ी वीकनेस रहा। प्रीवियस क्लोज देखिए, गैप अप ओपनिंग तो किया, हाई भी लगाया, देन उसके बाद हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी लो लगा दिया था, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लगभग आप देख सकते हो 3 करोड़ शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में 56 लाख शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम कंडीशन है, ठीक है। वहीं पर आप डिलीवरी पैटर्न चेक कर सकते हो, डिलीवरी पैटर्न भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 1,49,00,000 शेयर है, ठीक है। वहीं पर 48% का यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि अपने को चार्ट पैटर्न पे क्या मोमेंटम दिखता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ITC में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों, शुरू से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर कुछ अच्छी खासी बाइंग लेवल बना था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग, छोटा सा स्टॉक है, 1 या 2 पॉइंट का भी अपने को टारगेट मिल जाता है, इजीली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो जो पूरी तरह से ट्रेड जोन हुआ दोस्तों, उसमें काफ़ी वीकनेस देखने को मिली। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम चार्ट,
सेम कैंडल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप मोमेंटम चाहते हो स्टॉक में उसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर 5 दिन का मैं बताता हूँ, 5 दिन में भी काफ़ी गिरावट आ गई स्टॉक में, लगभग 4.25% की गिरावट स्टॉक में आई है। तो दोस्तों स्टॉक में गिरावट आ रही है दोस्तों, तो आप देख सकते हो सेम ट्रेड में स्टॉक में गिरावट आ रही है, लेकिन कुछ अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अपन सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, तो देखिए डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को हो सकता है तो दोस्तों 183.50 ये दो लेवल है, ये दो लेवल से मैं इस लेवल को डेफिनेटली सेल करूँगा और टारगेट रखूँगा दोस्तों मैं 182 का, 2 रुपये का इजीली रख सकता हूँ उसमें टारगेट, या आप 1.5 रुपये का भी टारगेट लेके चल सकते हो। अच्छी खासी क्वांटिटी भी मेंटेन हो जाएगी, टारगेट भी इजीली मिल जाएगा दोस्तों अपने को। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 185 या 180.30 का आप लेके चल सकते हो, 1.30 रुपये का स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो, ठीक है। दोनों स्टॉक में दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है, बाकी आप लोगों आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से कंसल्ट करने के बाद इसमें पोजीशन इजीली बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को क्लोज करता हूँ, वीडियो को क्लोज करते समय आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, या चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेफिनेटली मैं आप लोगों को इंट्राडे की टिप्स एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता हूँ डेली बेसिस पे। थैंक यू दोस्तों।